Shock. हिमालय की तलहटी में बर्फ की राजसी चोटियों की कोख में हरे भरे जंगल के किनारे बसा है एक सुंदर और जादुई राज्य सूरजपुर। लेकिन इस स्वर्ग से राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। पासी जंगल के उस पार पहाड़ी के अंदर जमीन के हजारों फीट नीचे एक भयानक और गुप्त खदान है। जल्दी चलो वरना हम शुरू हो जाएंगे। जल्दी चलो। संभाल के। वहां सूरजपुर से अगवा किए हुए हजारों नागरिकों को गुलाम बनाकर मजदूरी करवाई जाती है। उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता है और इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। कई रोज लोग दम तोड़ देते हैं और मुर्दों को भी कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। किसी भी बदनसीब का वहां ना दाह संस्कार किया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। खदान के सुपरवाइजर्स को बस एक ही डर रहता है, गुरुकाल को कैसे बताए कि मजदूर कम हो रहे हैं और इसका काम पर बुरा असर हो रहा है। गुरुकाल दुनिया के सब बुरे काले जादूगरों का नेता है। कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है जो वो ना करे। कोई ऐसी क्रूरता नहीं है जिसमें उसे मजा ना आता हो, और कोई ऐसा लालच और प्रलोभन नहीं है जिससे वो प्यार ना करता हो। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, कोई उसका अपना नहीं है। काली दुनिया का पिताज बादशाह, मैं गुरुकाल, मायावी कलयुग का वंशज। बस एक बार सूरजपुर की धरती में खड़ा हुआ सोना मेरे हाथ लग जाए, उस सोने से भ्रष्ट कर दूंगा सूरजपुर के लोगों की सोच समझ और बुद्धि को, और फिर खुद पर खुद उनके कदम चल पड़ेंगे मेरी अंधेरी दुनिया की ओर, जहां गुरुकार अपने गुलामों के स्वागत के लिए स्वयं खड़ा रहेगा। की शक्तियों ताकत दो मुझे। अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। अब जरा मुझे बाहर रोशनी की दुनिया दिखा, देखना चाहता हूं मेरा जाने दुश्मन वो मायावी आदित्य जो खुद को महादेव और सूर्यदेव का बड़ा उपासक मानता है। वो इस वक्त का रुद्र और कलियुग से शुरू हुई ये बुरे और भले की प्रतिद्वंदिता आज 5000 साल बाद आदित्य और गुरुकाल के बीच थी। आदित्य रुद्र के वंशज हैं और उन्हीं की तरह अपनी जादू का इस्तेमाल जनहित में करते थे। आदित्य सूरजपुर के सेनापति भी थे और सूरजपुर के राजा और प्रजा की रक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो आज राजधानी सूरजगढ़ के रास्ते में स्थित एक भव्य सूर्य मंदिर में अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपने पुत्र अविनाश के साथ आए हुए थे। आदित्य, मंगल हो। आज बड़े दिनों बाद लौटा हूं पापा, सोचा सबसे पहले मंदिर आकर सूर्यदेव के और आपका आशीर्वाद ले। मंगल हो। ये कैसा अपशगुन था बाबा? ये अपशगुन नहीं पुत्री, एक संकेत है। ये कोमल निर्मल